फोटो लेने के लिए हमें अच्छे कपड़े की नहीं अच्छी मुस्कुराहट की जरूरत होती है। थर्टी डेज चैलेंज के 10th वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टिच एंड स्वेयर में। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमने साड़ी से स्कर्ट का कटिंग किया था उसी का स्टिचिंग। आइए शुरू करते हैं स्कर्ट का स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं साड़ी से स्कर्ट का स्टिचिंग। स्कर्ट के कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। कटिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने साड़ी से ए लाइन स्कर्ट कटिंग किया है। ये हमारा अस्तर का हिस्सा है। और ये मेन फैब्रिक का हिस्सा है। हमने साड़ी से ही अस्तर भी निकाल लिया है। ये चिकन कढ़ाई साड़ी है और ऊपर का हिस्सा यानी टॉप पार्ट भी हमने निकाल लिया है। मेन फैब्रिक अस्तर दोनों हमारा साड़ी से ही निकला हुआ है, हमें अलग से अस्तर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमारे पूरे साड़ी का इस्तेमाल भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर के हिस्से को फ्रंट बैक के साथ दोनों हिस्से में हम अपना अस्तर अटैच कर लेते हैं कमर के हिस्से से। आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं हमने अस्तर में भी क्रॉस का मार्किंग किया हुआ है और मेन फैब्रिक में भी क्रॉस का मार्किंग किया हुआ है। उल्टा हिस्सा हम अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए अस्तर का हिस्सा भी क्रॉस का निशान ऊपर की तरफ है, मेन फैब्रिक का भी हमने ऊपर की तरफ रखा है उल्टा हिस्सा। इस तरीके से कमर से मिलाएंगे बराबर, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और बड़ा काका करके हम दोनों को मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अटैच कर लेते हैं। फ्रंट बैक दोनों हम सेम तरीके से अटैच कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने कमर के पास से लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर दिया है। अब हम साइड से भी इसे बड़ा टाका करके स्टिच कर लेंगे, दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे ताकि जब हम फ्रंट बैक ज्वाइंट करें तो कहीं कोई कपड़ा अंदर छूट ना जाए। जो लोग सिलते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए इस तरीके को अपनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम अटैच करके फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। हमने फ्रंट और बैक दोनों को अटैच कर लिया है अपने अस्तर के साथ तीन साइड से और
घेरे के साइड से अभी ओपन है। अब हम क्या करेंगे, सीधा भाग अंतर रखते हुए इस तरीके से मिलाएंगे और एक साइड को हम स्टिच कर लेंगे। इस स्टिच को आप डबल कीजिएगा, पूरे घेर तक हम जितना कटिंग के समय हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए हम एक तरफ को पूरा बंद कर लेंगे अपने स्कर्ट के साइड को। ये देख सकते हैं हमने अपने स्कर्ट को एक साइड से स्टिच करके पूरा बंद कर दिया है और एक साइड को ओपन है। अब हम सबसे पहले बेल्ट लगा लेंगे, उसके बाद हम दूसरा साइड भी स्टिच कर लेंगे। बेल्ट लगाने के लिए जितना आपका इलास्टिक का चौड़ाई है, ये देख सकते हैं हमारे इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो हम बेल्ट जो लगाएंगे उसके लिए डबल कपड़ा लेंगे। 1.5 इंच हमारे इलास्टिक की चौड़ाई है तो डबल में कपड़ा हम ले लेंगे 1.5 इंच प्लस 1/2 इंच मार्जिन। ध्यान रहे कपड़ा बेल्ट का डबल होना चाहिए न कि सिंगल। ये देखिए हमने डबल किया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद अपने इलास्टिक का चौड़ाई रखा हमने और 1/2 इंच मार्जिन, जब हम अपने स्कर्ट में ज्वाइंट करेंगे तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन अटैच करने के लिए चाहिए होगा। तो हमने मार्जिन 1/2 इंच ले लिया है और मार्क कर दिया है ताकि हमें पता रहे कि हमें स्कर्ट में ज्वाइंट करते हुए कहाँ स्टिच करना है। ये हमने 1.5 इंच ऊपर छोड़ दिया फोल्ड हिस्से से और ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने नीचे रखा है ओपन हिस्से से। अब हम इस तरीके जितना हमने मार्जिन फोल्ड किया है आयरन करके हमने क्रीच बना लिया है ताकि कोई डाउट ही न रहे कि हम कितना फोल्ड करके स्टिच करें। मैं इसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से अटैच करना बताऊंगी, ये बहुत आसान है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये वीडियो बेल्ट लगाने का। कमर के हिस्से का ध्यान रखिए, और हम बेल्ट को डबल ही इसमें स्टिच करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूं आपको। इस तरीके से रखेंगे सेंटर में अपने इलास्टिक को। ये हमने सेंटर क्रीज बनाया हुआ है, यहां पर रखते हुए इस तरीके से हम यहां पर लॉक कर देंगे पहले ताकि हमारा इलास्टिक इधर उधर ना खिसके। एकदम किनारे से मिलाते हुए हमें जहां तक हमारा कपड़ा आ रहा है बेल्ट का वहीं हमें अपने इलास्टिक को भी रखना है और हम इसे एक सिलाई लगा के अटैच कर लेते हैं। ये हमने अपने इलास्टिक को अपने बेल्ट के कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से अपने इलास्टिक को अंदर रखते हुए हम अपने बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। अपने स्कर्ट को सीधा रखेंगे, ये देख सकते हैं हमने सीधा रखा है। जो सिलाई का हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, उल्टा हिस्सा। अब हम सीधे हिस्से से यहां से जो हमने ओपन रखा है एक साइड से, इस तरीके से बराबर मार्जिन लेते हुए हम अपने पूरे स्कर्ट के कमर में अपने बेल्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे। अटैच करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा अंदर इलास्टिक है
उस पे हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम इसे अपने इलास्टिक पे सिलाई का ध्यान रखते हुए कि इस पे हमारा स्टिचिंग ना हो, और पूरे कमर में अपना बेल्ट अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी मार्जिन है हमारा, ये दोनों साइड इस तरीके से कर देंगे ताकि यहाँ हमारा कपड़ा मोटा ना हो। जिधर का जो कपड़ा है इस तरीके से हम बीच से अलग कर देंगे, जो जिस साइड का मार्जिन है उस साइड हम फैला देंगे। अब देख सकते हैं, अब हमारा इलास्टिक छोटा पड़ गया है हमारे बेल्ट से। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से खींचते जाएंगे अपने इलास्टिक को, जिधर हमने स्टिच कर लिया है उधर से इस तरीके से हम हल्का हल्का खींचते जाएंगे और अपने बेल्ट के बराबर करते हुए जॉइंट कर लेंगे अपने बेल्ट को। अब हम अपने बेल्ट को जॉइंट करते हुए दूसरे सिरे तक आ गए हैं। यहाँ भी सेम तरीका होगा, अपने इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं ताकि हमारा इलास्टिक अंदर ना जाए। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है हमारे स्कर्ट के साथ। ये है सीधा हिस्सा, इधर से इस तरीके से दिखेगा, और ये है उल्टा हिस्सा, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्कर्ट और बेल्ट का मार्जिन है उसको हम नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा दोनों साइड का बेल्ट और स्कर्ट दोनों का मार्जिन सेट हो जाए। हो सकता है इलास्टिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके से हल्का हल्का खींचते जाएं, उसके बाद किनारे स्टिच करें। इस तरीके से हल्का हल्का हमें खींचते जाना है और टॉप यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देना है। ये देख सकते हैं हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और बड़े ही फिनिशिंग से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है हमारे स्कर्ट के साथ। मैंने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे खींच लिया तो कहीं भी हमारा स्कर्ट के कपड़े में श्रिंक नहीं आया है, कहीं भी हमारा कपड़ा मुड़ा हुआ आपको नहीं दिख रहा है। देखिए, इस तरीके से खींचते हुए हमें स्टिच लगाना है जो हमने टॉप स्टिच लगाया। अब स्कर्ट का और हमारे बेल्ट का मार्जिन बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर सेट हो चुका है। आप चाहें तो इसे इंटरलॉक कर लें पहले, उसके बाद इसे फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से बराबर खींच लेंगे ताकि जो भी गैदर्स हैं बराबर आ जाएं इलास्टिक के, इस तरीके से। अब ये हमारा बराबर हो चुका है। हमारा इलास्टिक स्कर्ट पहनने के बाद अंदर से मुड़े ना, इसके लिए हमें पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, अभी भी बता रही हूँ, इस तरीके से खींचते हुए दोनों साइड खींचना है, अपने पीछे भी खींचना है और आगे भी खींच के, और अपने इलास्टिक के सेंटर में हमें एक स्टिच लगा देना है। आप चाहें तो इसमें दो स्टिच लगा सकते हैं, आधा इंच का गैप छोड़े ऊपर से एक स्टिच लगाएं, फिर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए एक स्टिच लगा लें, वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पर सेंटर में एक ही स्टिच लगाऊंगी, चलिए ये भी कर लेते हैं। और इलास्टिक का जो हिसाब होता है, मैं यहाँ पर 36 कमर का बना रही हूँ, तो जितना भी आपका कमर है, कमर का नाप हमें एकदम फिक्स लेना होता है, जहाँ आप स्कर्ट या प्लाजो पहनते हैं वहां का नाप हमें चाहिए होता है, एकदम फिक्स नाप लेना है। और जितना भी आता है
जैसे मैंने यहाँ 36 कमर का बनाया है स्कर्ट, मैं यहाँ पर 6 इंच माइनस कर लूंगी। आपका साइज चाहे जो भी हो, कमर से 6 इंच माइनस करते हुए आपको इलास्टिक लगाना है। तो मैं यहाँ 30 इंच लंबाई का इलास्टिक लगाई हूँ, 6 इंच हमने माइनस कर दिया है। ये देख सकते हैं हमने अपने इलास्टिक के सेंटर में भी स्टिच कर लिया है इस तरीके से खींचते हुए। तो मैं आपको अपना पूरा बेल्ट दिखाती हूँ। देखिए कहीं भी झोल नहीं आया है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा साइड बंद करने से पहले मैंने जो साड़ी से बॉर्डर निकाला था अपने स्कर्ट के पूरे घेरे के बराबर हमने नाप लिया था और तब साड़ी का बॉर्डर निकाला था। बॉर्डर मैंने फॉल के साथ ही निकाल लिया था और ऊपर से हमने इसको अटैच कर लिया है, मैन फैब्रिक बॉर्डर को भी और फॉल को भी, ताकि जब हम अपने स्कर्ट के घेरे में इसे ज्वाइंट करें तो कोई भी तह जो है कपड़े का छूट ना जाए। अब हम इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने स्कर्ट को सीधा रखेंगे। हमने अपने स्कर्ट के घेरे को इस तरीके से सीधा कर लिया और अपने बॉर्डर को उल्टा रखेंगे, यानी सीधे से सीधा इस तरीके से हम मिलाएंगे। अगर आपके स्कर्ट के घेरे में कपड़ा छोटा बड़ा है तो आप उसे पहले ही कट करके बराबर कर लें। मेरा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है, तो मुझे कट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए, बराबर मार्जिन लेते हुए हमें अपने बॉर्डर को इसके साथ अटैच कर लेना है। ध्यान रहे सीधा भाग स्कर्ट का भी और हमारे साड़ी के बॉर्डर का भी अंदर की तरफ है। चलिए इसको अटैच कर लेते हैं अपने बॉर्डर को स्कर्ट के घेरे के साथ। यहाँ जो मार्जिन है, जो जिधर का मार्जिन है, उसको भी हम जैसे हमने बेल्ट के साइड किया था वैसे ही मार्जिन को इस तरीके से जो जिधर का है उधर फैला देंगे इस तरीके से, तब अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। ये हमने अपने बॉर्डर को स्कर्ट के पूरे घेरे में अटैच कर लिया है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। अब जो भी मार्जिन है इसको हम अपने स्कर्ट के हिस्से की तरफ करेंगे इस तरीके से। अपने बॉर्डर का भी और स्कर्ट का भी जो ज्वाइंट का मार्जिन है वो हमने स्कर्ट के साइड फोल्ड किया है इस तरीके से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर स्कर्ट के हिस्से पे किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं अपने पूरे घेरे में। ध्यान रहे बॉर्डर के ऊपर हमें स्टिच नहीं करना है, मार्जिन हमने स्कर्ट के साइड किया है तो हमें स्कर्ट पे ही स्टिच करना है। ये देख सकते हैं हमने टॉप स्टिच लगा लिया है बॉर्डर अटैच करने के बाद घेरे में। ये उल्टे साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग आया है। अगर आपका कपड़ा इस धागा निकलने वाला है तो आप इसे इंटरलॉक करें, उसके बाद इसके साथ अटैच करें। अब हमारा काम पूरा होने वाला है, जो हमारा ओपन साइड है स्कर्ट का उसको भी हाफ इंच मार्जिन लेते हुए जैसा हमने इधर सिला है वैसे ही यहाँ से हम इलास्टिक से लेते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे और डबल स्टिचिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर कमर के पास जो हमारा मार्जिन है इस तरीके से दोनों साइड करते हुए
यहाँ पर सुई धागे से अटैच कर लेंगे ताकि दोनों साइड का मार्जिन इस तरीके से सेट हो जाए और आपको पहनते समय चुभने का खतरा न रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे स्कर्ट का फाइनल लुक कैसा आया है। ये देख सकते हैं चिकन कढ़ाई साड़ी से हमने जो ए लाइन स्कर्ट बनाया है, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। नीचे घेरे के साइड में जो हमने साड़ी से बॉर्डर निकाला था उसको अटैच किया है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा स्कर्ट बन के तैयार हुआ है। लखनवी चिकन कढ़ाई साड़ी से कुर्ती और स्कर्ट का फाइनल लुक बनने के बाद कैसा आया है? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।